जनपद में शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित कुल 84 केंद्रों पर 10,546 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 8,817 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1,729 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में चिमरौ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि शुक्रवार को जनपद के 84 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम किया गया है, जिसमें 2 अभिभावक स्पेशल बूथ तथा 2 महिला स्पेशल बूथ बनाया गया है, जिसमें पहला महिला बूथ जिला अस्पताल और दूसरा बूथ कैंपियरगंज PSC पर बनाया गया है। इसके अलावा नगर निगम में 1 बूथ चल रहा है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी ठेला, खोमचा वालों का टीकाकरण किया जा रहा है। CMO ने कहा कि शुक्रवार को 14,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें लोग उत्साह के साथ टीकाकरण करा रहे हैं। CMO ने जनता से अपील किया है कि अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, 18 प्लस वाले में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपका कोविशील्ड आज हमारे ज़िले में 84 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें से 2 अभिभावक स्पेशल केंद्र बनाया गया है उस पर चल रहा है, और 2 महिला स्पेशल बूथ बनाया गया है, जिसमें कि महिला स्पेशल बूथ में हमारा जो है कैंपियरगंज में चल रहा है और दूसरा जिला महिला अस्पताल में चल रहा है। और कल हम 10,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन कराए, आज का भी हमारा जो है 14,000 का लक्ष्य, और लोगों को में उत्साह है, लोग टीकाकरण करा रहे हैं। हमें सबसे अपील है कि लोग अपनी बारी का इंतजार करें, जब भी उनको बुलाया जाए तब भी उनको पोर्टल पर उनका स्लॉट बुक हो जाए, ज़रूर आए और टीकाकरण के ऊपर टीकाकरण करें।